शहर के बुड़ो स्थित एक गोदाम में बुधवार अहले सुबह भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद करीब 8:30 बजे सुबह आग पर काबू पाया जा सका। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को लाया गया। बताया गया कि आग तेजी से गोदाम में फैलती गई और धीरे धीरे भीषण रूप ले लिया। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। यह गोदाम आबादी से थोड़ा हटकर है, इस वजह से आसपास किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि बाबा झुमराज इंटरप्राइजेज नामक गोदाम में आग लगी, जिसमें प्लाईवुड और ग्लास विंडो की सामग्रियां रखी हुई थी। जानकारी के मुताबिक यह गोदाम रवि साव की है। बताया गया कि आग की लपटें देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद गोदाम के मालिक को सूचना हुई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों को मंगाया गया और आग बुझाने का काम शुरू हुआ। कई घंटे के बाद आग को बुझाया जा सका। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार साहब। क्या घटना घटी थी यहाँ पे? रात में मेरा आदमी, दो आदमी यहाँ सोया हुआ था, फोन किया कि भैया पूरा गोदाम में धुआं धुआं है, आग लगी है, जल्दी पहुंचिए। परेशान होकर घर से सीढ़ी से कूद के यहाँ पर आए, और जब यहाँ आए तो फायर ब्रिगेड को फोन करते तो मेरा फोन नंबर से लग नहीं रहा है, तो वही स्टाफ लगा है, इसका नंबर से लगा और आदमी लोग को फोन किया। हालांकि कोई ठंड के समय में कोई सुना नहीं। देखते देखते एकदम आपका ये फायर ब्रिगेड आते आते आग बहुत पकड़ चुका है। हम लोग सिर्फ देखते रह गए, बाकी कुछ कर नहीं था। इतना भयंकर आग। कितने बजे आग लगी? मेरा 4 बज गया। ये तो कितने बजे आग लगी थी? अब तो ये नहीं बता सकते कितने बजे लगी थी। मेरे पास फोन लगभग पौने यहाँ आदमी जुटे समय कंफर्म नहीं बता सकते। 11-12 बजे के लगभग में, कारण की हरासमेंट हो गया, हम कहाँ बता पाते। अभी तक कितने बार दमकल की गाड़ियाँ आ चुकी है? यहाँ 14-15 गाड़ियों का भैया फोन किया, किसी तरह मेरा आग बुझ जाता, लेकिन कोई काम करने। तो दमकल वाला सिर्फ पानी को ठंडा करने का काम कर रहा है। कितने का नुकसान हुआ है आपका? प्रशासन के पास अगर गाड़ी जाता तो शायद मेरा गोदाम बच जाता। कितने का नुकसान हुआ है आपका? नुकसान का आकलन मोटामोटी 1.5 करोड़ पुलिस का। ये जो अगजनी जो हुई है, गोदाम में आग लगी है आपकी? ये 3 गोदाम में आग लगा है। एक मेरा लगा है बाबा धाम प्लाईवुड के नाम से, दूसरा झुमराज इंटरप्राइजेज मेरे ससुर जी के नाम पे, और तीसरा मेरा ममेरा भाई का उसका जमीन है, वो तीनों को किराए पे दिए हुए हैं। उनका है पता नहीं कौन है, हमको देखे अभी तक आया भी नहीं है। हम अपना ममेरा भाई को सूचित करवा दिए हैं, वो आ रहा है। आपके गोदाम में क्या काम होता था? प्लाईवुड का काम है अपना, झुमराज इंटरप्राइजेज और बाबा धाम प्लाईवुड, ये दोनों प्लाईवुड का काम होता है।